शहर में देर रात कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। देर रात तक दुकानों को बंद कराने के बाद भी जब खतरा बढ़ता दिखाई दिया तो जबलपुर कलेक्टर ने जिले की सीमाओं को सील करने का आदेश दे दिया है और जिले में आने जाने वाली सभी बसों को तत्काल रोक दिया है। इसमें आवश्यक सेवाओं के वाहनों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा दो दिन का लॉकडाउन कर पूरा शहर बंद कराया जा रहा है। ये आदेश कलेक्टर जबलपुर भरत यादव ने दिए हैं। आदेश का पालन कराने के लिए शहर की पुलिस मुस्तैदी से तैनात कर दी गई है, जिसके बाद शहर की किराना दुकानों समेत अन्य दुकानों को भी बंद कराया जा रहा है। मंदिर के पट बंद करा दिए गए हैं। कल के घटनाक्रम के बाद आज और कल हमने पूरा जबलपुर बंद करा दिया है। यहाँ से जाने वाली बसें, आने वाली बसें, इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ के पूरा जबलपुर को बंद कराया गया है, क्योंकि आज रहेगा और कल भी रहेगा। जो पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है जनता कर्फ्यू, वो रहेगा। एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल स्टोर हैं, फल सब्जी दूध राशन की दुकानें हैं, जिससे कि जो राशन का सप्लाई है वो प्रभावित ना हो। बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। जो आप लोगों के माध्यम से, जो लोगों से मेरा आग्रह है वो ये है कि जो कोरोना को लेके जो गाइडलाइंस हैं वो सब पढ़ते हैं, सबको पता होता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। दोनों तरह की चीज़ें हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे कल की घटना के बाद भी हर कोई चाहेगा कि उसका टेस्ट हो जाए, हर कोई चाहेगा उसको हॉस्पिटल में रखा जाए, जो कि गाइडलाइंस के अनुसार ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव केस के साथ भी जो कॉन्टैक्ट में रहा, पास में रहा, उसमें अगर सिम्टम्स दिखेंगे, कोरोना के सिम्टम्स दिखेंगे, जो कि डॉक्टर तय कर सकते हैं, एक्सपर्ट तय कर सकता है, तभी उनका सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि हमारी लैब की क्षमता भी सीमित है। नहीं तो फिर ज़रूरी सैंपल का टेस्ट नहीं हो पाएगा और गैर जरूरी सैंपल के टेस्ट हो पाएंगे। पर डे की क्षमता सीमित है।